नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं क्योंकि मेरा नया रेसिपी आपको पहले मिल सके। आइए आज हम बनाएंगे मशरूम चिल्ली। मशरूम चिल्ली के लिए ये सब सामग्री चाहिए। पहले हमको चाहिए मशरूम। मैंने लिया एक पैकेट मशरूम, दो तीन हरा मिर्ची का छोटा पीस काट कर रखा है, नमक, टमाटो सॉस, मैदा 3 चम्मच, कॉर्नफ्लोर 4 चम्मच, प्याज 3, मैंने इसको ऐसे छोटा पीस में काट कर रखा है क्यूब साइज में, सोया सॉस, चिल्ली सॉस, मशरूम काट लेंगे। एक मशरूम लेंगे, इसका चारों तरफ इसका छिलका ऐसे निकाल देंगे, ये देखिए, और बीच से ऐसे कट लगा देंगे। एक मशरूम को 2 पीस करेंगे, इस तरह छिलका निकाल देंगे। बीच से ऐसे काट देंगे, इस तरह हम सारा मशरूम काट लेंगे। ये सारा मशरूम का छिलका निकाल कर काट कर धो कर रखा है। बाउल में ये मैदा और ये कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, इसमें आधा चम्मच नमक डाला है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके एक डो तैयार करेंगे। ज्यादा पतला की ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज होना चाहिए। देखिए ऐसे होना चाहिए पेस्ट। अब हम मशरूम फ्राई करेंगे। मैंने गैस पर एक कढ़ाई में तेल रख दिया, तेल गर्म हो चुका है। अब हम मशरूम फ्राई करेंगे। मशरूम एक लेंगे, ऐसे इसमें डीप कर देंगे, ऐसे तेल में ऐसे इस तरह फ्राई करना है। फ्लेम मीडियम रखे, फ्राई हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। इसी तरह हम सारा मशरूम फ्राई कर लेंगे।
फ्लेम मीडियम रखे हैं। इसी तरह हम सारा मशरूम फ्राई कर लेंगे। सारा मशरूम मैंने फ्राई कर लिया है, हमें तेल डाल दिया है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, फ्लेम हाई रखेंगे, इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे, आधा फ्राई करना है। हरा मिर्ची डाल लेंगे, प्याज में आधा चम्मच से कम नमक डालेंगे क्योंकि सॉस में नमक है। ये आधा फ्राई हो चुका है, अब हम ये मशरूम इसमें डाल देंगे। फ्लेम हाई रखेंगे, ये टमाटर सॉस भी डाल देंगे। दो चम्मच चिली सॉस डालेंगे, एक चम्मच सोया सॉस डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम हाई रखेंगे, एक चम्मच गोलमुर में दो चम्मच पानी डाल के मिक्स कर दिया। अब हम ये पानी इसमें डाल देंगे। चम्मच पानी डाल देंगे, फ्लेम हाई रखेंगे, चिल्ली मशरूम हमारा तैयार हो चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। चिल्ली मशरूम मैंने एक प्लेट में सर्व कर दिया, आप इसको स्नैक्स में खा सकते हैं। आप इसको जरूर एक बार घर पर बनाइए, खाइए। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।